आज मेरा उद्देश्य है उन श्री कृष्ण के बारे में बात करना जो अपने करोड़ों भक्तों के लिए भगवान तो हैं ही, पर साथ साथ वो उस समय के, उस समाज के एक रेवोल्यूशनरी थे। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली अगर आप क्रिटिकल रीडिंग करेंगे, तो आप जानेंगे कि वो एक फिलॉसफर, एक रिफॉर्मर थे, यानी एक दार्शनिक और एक सुधारक थे। उन्होंने समाज को पुरानी रीतियों से निकाल कर एक नया रूप दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी सांख्य फिलॉसफी। इसके पहले वैदिक रिचुअल्स यानी कर्म कांड को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उस पर ज़्यादा जोर होता था, पर श्री कृष्ण ने बात की कर्म की। उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण की बात की जिसकी आधारशिला धर्म है। ही वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर ऑफ हिज एज एंड द ग्रेटेस्ट वन। और आज हम बात करेंगे उनके ही बारे में कुछ ऐसे तथ्यों की जो हमें बताता है कि महाभारत और श्री कृष्ण कल्पना से ज़्यादा थे, और उन्हें कल्पना मान लेना शायद हमारे इतिहास के साथ, हमारे अस्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, महाभारत के मौसल पर्व में ऐसा लिखा है कि जब श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर गए तो उनकी द्वारका जो थी वो समुद्र की भयानक लहरों में डूब गई। सबसे पहले बात करते हैं उसी द्वारका के बारे में। भारत के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट एसआर राव, जिन्होंने कई हड़प्पन साइट्स की खोज की जैसे कि लोथल और बेट द्वारका, उन्होंने गुजरात के समुंदर में कुछ अद्भुत अभूतपूर्व खोजें की। उनमें से एक है समुद्र के अंदर द्वारका की खोज। एसआर राव जी ने पानी में डूबी जो साइट खोजी वो लगभग 1500 BC की है। एसआर राव जी ने इस साइट को श्री कृष्ण की द्वारका माना। हालांकि मेरा मानना है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, कि जो श्री कृष्ण की द्वारका थी उसके मुकाबले ये जो द्वारका ढूंढी गई है ये थोड़ी नई और उसके बाद की द्वारका है। यानी अगर हमें श्री कृष्ण की द्वारका को ढूंढना है तो हमें समुद्र की और ज़्यादा गहराइयों में और ज़्यादा विस्तृत खोज और शोध करनी होगी, क्योंकि ये वाली द्वारका जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 1500 BC यानी आज से 3,500 से 4,000 साल पहले की है। यानी हमारे जो महाभारत में लिखा है 5,000 साल पहले की द्वारका, उसके मुकाबले ये कुछ नई है, उसके बाद की है। अब इसी के साथ द्वारका की जो खोज हुई, जो एसआर राव जी ने की, उसमें कसाइट आर्टिफैक्ट्स भी मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि कसाइट क्या है। तो आपने शायद बेबीलोनियन साम्राज्य, बेबीलोनियन एम्पायर के बारे में सुना होगा। तो प्राचीन बेबीलोनियन के पतन के बाद जिन्होंने बेबीलोनिया पे शासन किया वो कसाइट लोग ही थे, जिनका रूल बेबीलोनिया पे लगभग 1500 से 1100 BC तक चला। अब क्या इसका मतलब ये है कि जो कसाइट लोग थे जिन्होंने बेबीलोनिया पर राज किया वो भारतीय मूल के ही थे और वो द्वारका से थे, जो अपनी सभ्यता के पतन के बाद यहाँ से बेबीलोनिया की तरफ गए और वहाँ पर उन्होंने रूल किया? या फिर क्या वो भारत के नहीं थे पर उनके तार कहीं ना कहीं भारत की द्वारका से, यहाँ के यदुवंशियों से जुड़े हुए थे? क्या पता, इसका जवाब हमें गहन शोध रिसर्च के बाद ही पता लग सकता है। अब बात गुजरात के धौलावीरा की, जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके महाभारत से जुड़े होने की। तो गुजरात के धौलावीरा में आर्कियोलॉजिस्ट RS बिश्त ने एक बेहद इंपॉर्टेंट साइट की खोज की। उनके अनुसार यहाँ पे 3500 BC के आसपास एक प्लान्ड शहर हुआ करता था, यानी साफ तौर पर आज से लगभग 5,500 साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे, यानी महाभारत काल में यहाँ पर एक शहर का अस्तित्व मिला है, जो द्वारका से, आज की द्वारका से, और जो पानी में द्वारका मिली है उससे कुछ घंटों की ही दूरी पर है। जाहिर है महाभारत में जिस काल में हम द्वारका के वर्णन के बारे में जानते हैं, आज से 5,500 साल पहले, उसी काल के एक शहर का आज की द्वारका से कुछ घंटों के ही, 7-8 घंटों की ही दूरी पर मिलना, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि जिस महाभारत को हम पढ़ते हैं वो कल्पना से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रकार के संयोग जगह जगह पर, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, मात्र एक संयोग या कल्पना या किसी लेखक की इमेजिनेशन नहीं हो सकती। अब यहाँ मैं बताता चलूँ कि महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है बृहद बल का, जो श्रीराम के वंश के थे और श्रीराम के 32 पीढ़ियों के बाद, 32 generations के बाद इनका जन्म हुआ था, उसके बाद का इनका काल था, और इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था।
अब सवाल ये कि अगर महाभारत और रामायण असली इतिहास नहीं था तो दो अलग अलग लेखक जो दो अलग अलग वक्त में हुए वो कैसे ऐसे दो काव्य लिख सकते हैं जिनमें वो वंशावली है जो एग्जैक्टली सेम है। यानी ये दोनों काव्य जो अलग अलग समय पर लिखे गए ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हो सकते हैं? ये वो सवाल है जो हमें परेशान करता है कि महाभारत सिर्फ एक कल्पना कैसे हो सकती है और हमें रोकता है ये सोचने से कि महाभारत सिर्फ एक कल्पना है। अब बात महाभारत के एक बहुत बड़े सबूत की, जिसका वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है और जिसके सबूत हमें आज भी मिलते हैं। तो महाभारत में वेद व्यास जी ने सूर्य और चंद्र ग्रहण का वर्णन किया, वो भी एक के बाद एक एक ही महीने में। इसका परिणाम बहुत भयानक बताया गया, इसका इशारा समझा गया कि इसके बाद एक बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। वो विपत्ति थी महाभारत का युद्ध। अब भारत के एक प्रोफेसर के श्रीनिवास राघवन ने एक किताब लिखी, द डेट ऑफ महाभारत वॉर एंड कली युगधि। इसमें इन्होंने महाभारत में वर्णित एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, यानी आज से 5,000 साल पहले की जो खगोलीय और ज्योतिष गणना है उसका अध्ययन किया, और इन्होंने पाया कि जैसे दो ग्रहण महाभारत में बताए गए हैं वैसे ही दो ग्रहण आज से लगभग 5,500 साल पहले या 5 से 5,500 साल पहले हुए थे, और वो भी एक के बाद एक एक ही महीने में। उन्होंने जो तिथियां बताई वो थी 28 सितंबर 3067 BC और 13 अक्टूबर 3067 BC। इसी के साथ प्रोफेसर ने गणना से अगले ही महीने यानी 22 नवंबर 3067 BC को वो तिथि बताई जिस दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि आज के जो सॉफ्टवेयर हैं, मॉडर्न सॉफ्टवेयर हैं, वो भी इन तिथियों को सही बताते हैं। यानी हर लिहाज से कहा जा सकता है कि प्रोफेसर श्रीनिवास राघवन की जो खगोलीय गणना है उसके अनुसार ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आज से लगभग 5,000 साल पहले हुए थे, वैसे ही जैसे हमें महाभारत में वेद व्यास जी बताते हैं। दोस्तों, साल 2005-06 में और फिर साल 2018 में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बागपत के सिनौली और बरनावा में खुदाई हुई, और इस खुदाई में ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसने सारी दुनिया के इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। भारत में पहली बार ऐसे ताबूत मिले, कंकाल मिले, रथ मिले, हथियार मिले, बर्तन मिले, सोने के गहने मिले, और ये रथ पूरा का पूरा मिला। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे हमें रथों के टुकड़े मिलते हैं या पहिए मिलते हैं उस तरह नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा साबुत रथ मिला। यहाँ से कोयले मिले, जले हुए कोयले मिले, जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि कभी यहाँ पर एक विकसित सभ्यता रहती होगी जो यहाँ पर लकड़ियों को जलाकर काम करती होगी या चूल्हा जलाती होगी, उसका प्रमाण मिला। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये आज से लगभग 4,000 साल पहले के हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर संजय मंजुल जी ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार इस तरह का एक पूरा का पूरा साबुत रथ मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर दफन जो कंकाल और समाधियाँ हैं उनमें जो रीति रिवाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलते जुलते हैं वैदिक रीति रिवाजों से। आर्यों के आने से पहले यहाँ पर घोड़ों के होने की आशंका जाहिर करते हुए विद्वान मानते हैं कि अगर यहाँ पर इस तरह के अवशेष मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, तो ये आर्यन इन्वेजन की उस थ्योरी को बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे। आपको शायद ना पता हो कि उन 5 गांवों में से एक था व्याघ्रप्रस्थ यानी आज का बागपत, साथ ही लाक्षाग्रह जो था वारणावत में वो भी है बागपत में जिसे आज बरनावा कहते हैं, और वहाँ खुदाई में आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। साथ ही यही बरनावा में एक गुफा है जिसके बारे में माना जाता है कि यही वो गुफा है जहाँ से पांडव लाक्षाग्रह से निकले थे। आपको बता दूं कि महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर आज के मेरठ के हस्तिनापुर को माना जाता है, यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही हमें महाभारत काल की या उस काल के आसपास की चीज़ें भी मिली हैं। हस्तिनापुर के ही पास बागपत और सिनौली में हमें इस तरह के रथ और इस तरह की 4,000 साल पहले की चीज़ें भी मिली हैं। अभी कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही एक के बाद एक अलग अलग जगहों पे हमें उस काल के या उस काल के आसपास की चीज़ें मिलती आई हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है?
शोध जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न है हमारे अस्तित्व का, हमारे इतिहास का। आज हमें सारी दुनिया बताती है कि जब आर्य भारत आए तब भारत में सभ्यता का विकास हुआ, तब हम विकसित हुए। पर अगर ऐसा है तो हम हड़प्पा की उस विकसित सभ्यता को क्या कहेंगे जहाँ से हमें पशुपति सील मिली, हवन वेदी मिली। यही कारण है कि आज एक बहुत बड़ा तबका आर्यन इन्वेजन की उस थ्योरी को नकारने लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।